हर्षल स्ट्राइक पर। सम्मान क्या है इस पहली गेंद पर और इस मैच की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी, ऐसे मिड विकेट की दिशा में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और तीसरी गेंद पर आया ये सिंगल। इस सिंगल के साथ खाता खोला है हर्षल ने अपना और साथ ही साथ टीम का भी। जयेश अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं जो कि यश की गेंद का सामना करेंगे। ये पांचवी गेंद, फ्रंट फुट पर आकर खेला है ये शॉट और सिंगल आता इस गेंद से। अब आखिरी गेंद है इस पहले ओवर की। जयेश इस समय स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद थी, डॉट बॉल हो जाएगी ओवर की यहां पर समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा ओवर ये जयेश यश चौधरी इनका, मात्र 3 रन दिए हैं। एक ना तो ऑटो राइडर्स की टीम ने यहां पर टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पहले ओवर में मात्र 3 रन आए हैं। यहां पर दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर आया ये बड़ा शॉट, थर थर लोह पुरुष तो खंबीर नितिन चौधरी ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं और पहली गेंद पर आया है 6 हर्षल के बल्ले से। माता ग्वाही सरदार वल्लभ भाई, जय भारत माता ग्वाही सरदार वल्लभ भाई। और ये जो बाउंड्रीज पर अपनी चेयर्स लेके बैठे हैं, कृपया थोड़ा पीछे होकर बैठ जाइए। पतन हुआ है हर्षल होले, इन्हें लौटना होगा पवेलियन। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे और एक आसान सा कैच दिया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथों में। बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी
ओ मेरी चांदनी रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी हेमंत ढाके ये नए बल्लेबाज आए हैं इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है और नितिन चौधरी इनकी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की ये तीसरी गेंद लो फुल टॉस गेंद थी इसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है इस सिंगल के साथ अपना खाता खोला है हेमंत ने स्ट्राइक पर अब जयेश आ चुके हैं तीन गेंदें अब तक ओवर में हो चुकी है धीमी गति की गेंद इस बार मिड विकेट की दिशा में फिर एक सिंगल आता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 11 पर जा पहुंचा है पांचवी गेंद करेंगे नितिन अपने इस ओवर की सामना करेंगे हेमंत हल्के हाथों से खेला है वहां पर अपील काफी तेज मगर अंपायर ने इस अपील को नकारा है हमारे मुख्य प्रायोजक इस टूर्नामेंट के जय दुर्गा ग्रुप मान्य सौ जयश्रीताई महाजन प्रायोजक भंगाड़े गोल्ड्स सागर भंगाड़े आकाश भंगाड़े शॉर्ट पिच गेंद थी और इसके आगे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे सहभागी कमेंटेटर पद्माकर पाटिल सर एक जाने माने कमेंटेटर अब अगली आवाज रहेगी पद्माकर पाटिल सर इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल चषक 2022 तीसरा पर्व तीसरा पर्वाचा आज का तीसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसाचा हा सहावा सामना तर आपल्यासोबत या ठिकाणी ह्या सामन्यांचा आनंद उपभोगण्यासाठी उपस्थित आहेत पल्स पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीच्या डॉक्टर हर्षदा भंगाळे या सामन्याला बघण्यासाठी आपल्यासोबत उपस्थित आहेत तर लेवा पाटीदार प्रीमियर लीग परिवारातर्फे मी डॉक्टर मॅडमचं मनपूर्वक स्वागत करतो दरम्यान उंच टोलवेला चेंडू नक्कीच सीमारेषा पार षटकार बॅकफुटवर जाऊन कट केलेला आहे थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू वेगाने जातोय चौकार मिळेल आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या वाढेल 22 धावा दरम्यान आताच आम्हाला एक बातमी मिळालेली आहे सूत्रांकडून तर लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्स हे आमचे जे सहप्रायोजक आहेत तर लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्सला आज 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत
तर लेवा पाटीदार प्रीमियर लीग परिवारातर्फे त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो आणि पुढच्या वाटचालीसाठी सुद्धा त्यांना शुभेच्छा असतील. दरम्यान फुल टॉस चेंडू सर हातात जातोय आणि हा झेल घेतलेला आहे देव याने. देव अतिशय उत्कृष्ट असा झेल घेतलेला आहे. दुसरा गडी बाद झालेला आहे. बावीस धावा दोन गडी बाद. तर या आपल्या सरदार वल्लभभाई पटेल चषकाच्या तिसऱ्या सीझनचे आपले सहप्रायोजक लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्स संचालक आहेत सुनीलजी सरोदे. त्यांच्या व्यवसायाला आज 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. तर त्यांना लेवा पाटीदार प्रीमियर लीग परिवारातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. चांगला चेंडू आणि तितक्याच सफाईने या चेंडूला डिफेन्स केलेला आहे फलंदाजाने. पुन्हा एकदा आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला थांबवण्याचा प्रयत्न केलेला होता गोलंदाजाने, परंतु यश काही प्राप्त झालेलं नाहीये. परंतु फलंदाजांना मात्र एक धाव मिळालेली आहे आणि पल्स लॅब 11 संघाची धावसंख्या झालेली आहे 23 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. उज्ज्वल झोपे राईट मोर द विकेट. फुल टॉस चेंडू टॉपेज लागतोय आणि या ठिकाणी पंचांनी नो बॉल घोषित केलेला आहे. मनीष काळे याने प्रयत्न जरूर केलेला होता डाईव मारून हा झेल पकडण्याचा, परंतु पंचांनी नो बॉल घोषित केलेला आहे. फ्री हिट असेल तर बघूया फलंदाज या फ्री हिटचा किती फायदा उचलतात ते. एक संधी असते फ्री हिट म्हणजे फलंदाजाला जास्तीत जास्त धावा करण्याची. चेंडू हवे ते आणि कोणीही या कॅचसाठी गेलेलं नाहीये. त्याचं कारण असं की हा फ्री हिट चेंडू होता. षटक संपत आहे क्रमांक 3 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. मुख्य प्रायोजक जय दुर्गा ग्रुप जळगाव, सौ जयश्री सुनील महाजन महापौर जळगाव शहर महानगरपालिका संचालिका जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड भंगाळे गोल्ड श्रीयुत सागर भंगाळे श्रीयुत आकाश भंगाळे सहप्रायोजक लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्स सुनीलजी सरोदे अनमोल सहकार्य राजूमामा भोळे एलके फाउंडेशनचे ललित विजयराव कोल्हे. दरम्यान या चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टोलवलेलं आहे देव. या चेंडूला अडवतोय यष्टी रक्षकाकडे परत करतोय. तोपर्यंत एक धाव फलंदाजाला मिळते आणि धावसंख्या वाढते ती 26. रुक्मा टेंट हाऊस किशोर महाजन आणि चंद्रकांत महाजन. अखूल टप्प्याचा चेंडू आणि सरळ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आलेला आहे षटकार. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या मात्र वाढते ती 32 धावा 32. त्याचबरोबर आपल्याला लेवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर हे आपले ड्रिंक ट्रॉलीचे स्पॉन्सर्स नितीनजी इंगळे त्या संस्थेचे अध्यक्ष, त्यानंतर सोनी एजन्सीज जीवनजी येवले हेरंब
आटो, हर्षद श्रीकृष्ण ढाके चाळीसगाव, श्री गणेश एंटरप्राइजेस ऑल सोलर प्रोडक्ट, पुरुजित चौधरी, पुन्हा एकदा चेंडू उंच गेलेला आहे परंतु जास्त दूर जाऊ शकलेला नाहीये आणि हा झेल घेण्याचा प्रयत्न परंतु झेल सुटलेला आहे आणि फलंदाजाला मिळालेलं आहे ते जीवनदान। त्यानंतर टॉस का बॉस चे आमचे स्पॉन्सर श्री महेश मोहन चौधरी, मोरया बोरोले जळगाव। आणि आपण हे जे लाईट स्टँड्स आहेत या लाईट स्टँड्सला श्री काशी अर्थवर्क्सचे जे होर्डिंग्स बघता आहात त्या होर्डिंग्सला जर कुठलाही खेळाडू षटकारासाठी चेंडू टोलवतोय त्या होर्डिंग्सला तर श्री काशी अर्थवर्क्स चे संचालक अजित अशोक राणे यांच्याकडून एक चांदीचं नाणं त्या फलंदाजाला दिलं जाणार आहे। श्री काशी अर्थवर्क्सच्या बॅनरला जो फलंदाज षटकारासाठी चेंडू टोलवेल त्याला एक चांदीचं नाणं भेट स्वरूपात दिलं जाणार आहे। पुन्हा एकदा ड्राइव्ह केलेला आहे अलॉंग द कार्पेट, या चेंडूला आडवतोय क्षेत्ररक्षक, मिसफील्ड होते आणि दुसरी धाव। छत्तीस धावा, दोन गडी बाद। लेग स्टंपच्या बाहेर अवांतर धाव मिळते पल्स लॅब 11 संघाला, धावसंख्या वाढते 37, दोन गडी बाद। ठीक आहे, तर आपण बघू शकतो उंच उडालेला हा झेल, या ठिकाणी चांगला कॉल केलेला आहे, चांगला समन्वय दाखवलेला आहे क्षेत्ररक्षकांनी। नाहीतर बऱ्याच वेळा उंच कॅच जेव्हा जातो त्यावेळेस गोंधळ निर्माण होतो, दोन्ही जे क्षेत्ररक्षक असतात ते एक दुसऱ्याला घेण्यासाठी सांगतात, परंतु यावेळेस मात्र योग्य कॉल आणि चांगला झेल। तर तिसरा गडी बाद झालेला आहे 37 धावांवर। तर ही स्पर्धा आपण घर बसल्या सुद्धा लाईव्ह बघू शकतात। आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला यूट्यूबमध्ये जायचं आहे, WDZ हे यूट्यूब चॅनल सर्च करायचं आहे, त्याला सबस्क्राईब करायचं आहे, लाईक करायचं आहे, या टुर्नामेंटच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनचं बटन दाबायचं आहे, मग आपण घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकतात। चांगला चेंडू, अख्खू टप्प्याचा चेंडू पुल केलेला, एक टप्पा खाऊन चेंडू मिडविकेटच्या क्षेत्ररक्षकाकडे जातोय, क्षेत्ररक्षक त्या चेंडूला अडवतोय परत करतोय, एकच धाव, 38 लॉस ऑफ 3, पल्स लॅब 11। चौथा गडी बाद, अमितला मिळतंय यश। कॅश चाहिए,
38 लॉस ऑफ 4. तर आता पल्स लॅब 11 संघाला आवश्यकता आहे एका चांगल्या भागीदारीची. जर एक चांगली भागीदारी या ठिकाणी होते, एखादा खेळाडू जर एखादी छोटीशी आक्रमक इनिंग खेळतोय, तर मात्र आता पल्स लॅब संघ मोठ्या धावसंख्येकडे जाऊ शकतो. परंतु एकनाथ ऑटो रायडर्स या संघाचे गोलंदाज अतिशय शिस्तबद्ध मारा करतायत, क्षेत्ररक्षण पण चांगलं करतायत, त्यामुळे पल्स लॅब 11 फलंदाजांना मात्र थोडासा त्रास होतोय वेगाने धावा काढण्यासाठी. परंतु बघूया, हे क्रिकेट आहे, क्रिकेटला शेवटी म्हटलंच जातं अनिश्चिततेचा खेळ. क्रिकेटबद्दल असं म्हटलं जातं की क्रिकेट एक ऐसा खेळ है जहाँ पर सारे प्रेडिक्शन फेल है. काल आपण काही उत्कंठावर्धक मॅचेस बघितलेल्या होत्या याच ठिकाणी. दरम्यान चांगला चेंडू ड्राइव करतोय फलंदाज, एक धाव काढतोय नयन, आपलं खातं उघडतोय एका धावेने आणि संघाची धावसंख्या मात्र वाढते ती 39 धावा, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. एकनाथ ऑटो रायडर्स संघाने नाणेफेक जिंकली होती आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं होतं. पुढचा चेंडू अमितचा, चांगला चेंडू, उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रदर्शन. अमित ही पहिलीच ओव्हर करतोय. अमित बराटे पहिलं षटक करतोय आणि आतापर्यंत त्याने 2 धावा देऊन 1 गडी मिळवलेला आहे. आणि हा दुसरा गडी, 2 धावा 2 गडी. तर 5 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे. 39 धावा 5 गडी बाद. दरम्यान ड्रिंक स्ट्रॉली मैदानात जाताना आपल्या ड्रिंक स्ट्रॉलीचे स्पॉन्सर्स आहेत लेवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर. या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत नितीनजी इंगळे. तर सरदार वल्लभभाई पटेल चषक 2022, तिसरं पर्व, तिसरा दिवस, तिसऱ्या दिवसाचा 6वा सामना. आमचे सहप्रायोजक आहेत लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्स. तर लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्सला आज 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. तर त्यांना लेवा पाटीदार प्रीमियर लीग परिवारातर्फे खूप खूप शुभेच्छा देतो. सुनीलजी सरोदे हे संचालक लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्स, त्यांना 25 वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता ड्रिंक्सचा अवकाश आहे, तर त्या अवकाशात आपण डीजे धांडे यांच्या माध्यमातून काही सुमधुर गीतांचा आनंद घेऊया. लोह पुरुष तो खंबीर करी इंग्रजही थरथर, लोह पुरुष तो खंबीर करी इंग्रजही थरथर, देई भारत माता ग्वाही, देई भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, भारत माता ग्वाही, सरदार तर ड्रिंक्स अवकाशानंतर कॉमेंट्रीत होईल बदल आणि पुढचा आवाज असेल ड्रिंक्स अवकाशानंतर जो पहिला चेंडू पडेल तेव्हा आपण आवाज ऐकशाल, तो आवाज असेल
माझे सहकारी समालोचक मयूर हिंगे यांचा हिंदीतून. ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अब गेंदबाजी के लिए हमें नजर आते हुए देवांश स्ट्राइक पर इस समय मौजूद है. नयन शॉर्ट पिच है, गेंद इसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है. चार रनों के लिए चौका आता हुआ नयन के बल्ले से. फिर एक बार ये गेंद जाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. पहले आया था चौका, इस गेंद पर जड़ा है छक्का. नयन इनके बल्ले से आता है बड़ा शॉट. पचास रनों पर अब तक का स्कोर, पांच विकेट गिर चुके हैं. इस ओवर की तीसरी गेंद, फुल टॉस गेंद फिर से उसी दिशा में है. वहां पर इस बार खोल खिलाड़ी मौजूद. सिंगल आता हुआ इस तीसरी गेंद पर और इस सिंगल के साथ टीम का अर्धशतक यहां पर पूरा हो चुका है. भावेश अब स्ट्राइक पर आए हैं जो कि देवांश इनकी गेंद का सामना करेंगे. फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है शॉट. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद है, अंपायर ने इसे वाइट करार किया. इस बार यह अच्छी गेंद गुड लेंथ पर की थी. अब इस ओवर की आखिरी गेंद, देवांश का सामना करेंगे भावेश. फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, डॉट बॉल के साथ ओवर की यहां पर समाप्ति. छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 रन पांच विकेट के नुकसान पर. नौ दशमलव पांच शून्य के औसत से इस समय रन बन रहे हैं और अगर इसी औसत से आगे रन बनते रहे तो 95 रनों तक स्कोर जा सकता है. मगर अगर रन गति बढ़ती है तो यह औसत बढ़ भी सकता है और अगर अतिरिक्त विकेट आते हैं तो शायद यह औसत यहां से कम भी हो सकता है. यश आए हैं इस ओवर में गेंदबाजी के लिए. वहां पर मिडॉन के खिलाड़ी ने पैरों से इस गेंद को रोकने की कोशिश की. चौका आता हुआ इस गेंद से. खाली
गति में परिवर्तन, धीमी गति की ये गेंद, सूझबूझ भरी गेंदबाजी यश के द्वारा। 61 पर अब तक का स्कोर जा पहुंचा है। 6 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन इस समय नयन बना चुके हैं। हल्के हाथों से खेला है, सिंगल मिलेगा इस गेंद पर, नयन के खाते में सिंगल जाता हुआ। भावेश अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे। 3 गेंदें अब तक ओवर में हो चुकी है। स्कोर बढ़ता हुआ 62 पर अब जा पहुंचा है। व्हाइट का इशारा था अंपायर की ओर से। लेग स्टंप के बाहर की गेंद काफी आगे की थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इसे कवर्स की दिशा में खेला, वहां पर खिलाड़ी का पाव फिसला है। चौका आता हुआ इस गेंद से। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, इसी के साथ अतिरिक्त रन और ये गेंद गेंदबाज को फिर से डालनी होगी। हमारे मुख्य प्रायोजक इस टूर्नामेंट के जय दुर्गा ग्रुप माननीय श्री माननीय सौ जयश्री ताई महाजन भंगाड़े गोल्ड, हमारे प्रायोजक सागर भंगाड़े, आकाश भंगाड़े और हमारे सह प्रायोजक लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स। और लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स इस साल अपने 25 साल यहाँ पर पूरे कर चुकी है, तो संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे सह प्रायोजक लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स सुनील जी सरोदे। फिर एक वाइड गेंद आती हुई, 70 रनों पर अब तक का स्कोर जा पहुंचा है। 3 गेंदें वाइट आ चुकी है। पैर बाहर निकाला था, डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला है शॉट 6 रनों के लिए। अनमोल सहकार्य जिनके द्वारा हमें इस टूर्नामेंट में प्राप्त हुआ है, माननीय आमदार महोदय राजू मामा भूड़े, एलके फाउंडेशन, श्री ललित विजय राव कोल्हे, रुखमा टेंट हाउस, किशोर महाजन, उन्हीं के साथ चंद्रकांत महाजन, इन सभी का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इस समय ओवर की समाप्ति होते हुए, ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से औसत बढ़ चुका है 10.86 के औसत से अब रन आ रहे हैं, और अगर इसी औसत से आगे रन आते रहे तो 109 का आंकड़ा टीम पार कर लेगी। सहकारी जिनके द्वारा हमें इस टूर्नामेंट में प्राप्त हुआ है, हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर लेवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, सोनी एजेंसी, जीवन एवले, हेरम्बा ऑटो, श्री हर्षद श्रीकृष्ण ढाके, श्री गणेश एंटरप्राइजेस, ऑल सोलार प्रोडक्ट्स, पुरजीत चौधरी,
टॉस का बॉस स्पॉन्सर श्री महेश मोहन चौधरी, मोरिया बोरोले जलगाव, श्री काशी अर्थवर्क्स, अजीत राणे, और अजीत राणे सर की ओर से यहाँ पर एक इनाम भी रखा गया है। उनके बैनर पर अगर कोई खिलाड़ी गेंद हिट करता है तो उसे एक चांदी का सिक्का इनकी ओर से दिया जाएगा। व्हाइट का इशारा था अंपायर की ओर से। अमित गेंदबाजी के लिए आए हैं। स्ट्राइक पर इस समय नयन। स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद जाती हुई खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। अब भावेश आ जाएंगे स्ट्राइक पर। अमित का सामना करेंगे अब भावेश। फुल टॉस बनाते हुए खेला इस गेंद को। स्माइलिंग नीज के बैनर पर यह गेंद जा लगी। इस बार ये अच्छी गेंद गुड लेंथ पर की थी। उछाल ज्यादा मिला था गेंद को। तीन गेंदें अब तक ओवर में हो चुकी है। चौथी गेंद करेंगे अमित अपने इस ओवर की। सामना करेंगे भावेश। गति में परिवर्तन। धीमी गति की ये गेंद। हल्के हाथों से ऐसे खेला है। सिंगल आता हुआ इस गेंद से। स्कोर बढ़ता हुआ 85 पर अब जा पहुंचा है। काफी अच्छा संपर्क हुआ है वहां पर। पूरी कोशिश की खिलाड़ी ने इस गेंद को रोकने की, जिस तरह का वो प्रयास था, मगर 6 रन आते हुए। ये देखिए प्रयास काफी अच्छा था, आप रिप्ले में देख सकते हैं। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाते हुए पहला रन ले चुके, दूसरे का प्रयास नहीं करेंगे। सिंगल से संतुष्टि इस गेंद पर। इस सिंगल के साथ 8वें ओवर की यहां पर समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। अब गेंदबाजी पे हमें नजर आते हुए कौशल। नयन इनका सामना करेंगे 10 गेंदों का सामना करते हुए। 25 रन बना चुके हैं अब तक नयन। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, फिर एक बार प्रयास किया।
बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ये शानदार सिक्स आता हुआ। और अंपायर ने इस गेंद का पुष्टिकरण किया, उसके बाद चौका घोषित किया इस गेंद पर। बाईस के रूप में आता हुआ सिंगल, देखा कि कीपर के हाथों से गेंद छूटी है, उस मौके का फायदा उठाया बल्लेबाज ने और सिंगल चुराया है इस गेंद पर। फिर एक बार ये धीमी गति की फुल टॉस गेंद जिसे भेजा है मैदान के बाहर। सारी दुनिया पुल्लड़ दे मारियो नाय मारियो नाय मारियो नाय वीरू मारियो नाय। सुन लो सारी दुनिया पालो जितना भी तुम जोर लगा लो करेंगे बड़ी सारी रात कान में दम मत बंद करवा लो मारियो नाय। और इस शॉट के साथ टीम का शतक यहां पर पूरा हो चुका है, 103 पर अब तक का स्कोर है। फिर एक बार यह फुल टॉस गेंद थी, नीचे है खिलाड़ी, विकेट का पतन हुआ है और नाराज नजर आते हुए भावेश। एक सौ तीन पर आया ये छठा झटका पल्स लैब 11 की टीम को। मगर यहां पर भावेश के टीम के खिलाड़ी उनका उत्साह वर्धन करते हुए उनकी शानदार बैटिंग के लिए। दुर्गेश भोले ये नए बल्लेबाज आए हैं और इस सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। अपने ही फॉलो थ्रू में कौशल ने इस गेंद को रोका। दुर्गेश अब आए हैं स्ट्राइक पर, नयन जिनके खाते में ये सिंगल गया था। सिंगल आता हुआ इस गेंद से और इसी के साथ ओवर की यहां पर समाप्ति भी। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 105 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से एक समय पहले 9.50 के औसत से रन बन रहे थे, अब उस औसत को यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है, 11.67 का औसत इस समय। जिस तरह से शानदार बल्लेबाजी हमें नयन और भावेश के द्वारा देखने के लिए मिली है,
दुर्गेश इस समय स्ट्राइक पर, देवांश अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं और ये अंतिम ओवर इस इनिंग का। पटकी हुई गेंद थी, इसे अपने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश की देवांश ने। उठाकर खेला इस शॉट को, स्क्वायर लेग के ऊपर से ये शॉट जाता हुआ मैदान के बाहर। जय दुर्गा ग्रुप के बैनर के ऊपर से ये गेंद गई है। चौदह गेंदों का सामना करते हुए इस समय 36 रनों पर पहुंच चुके हैं नयन। फुल टॉस गेंद थी, कीपर को भी बीट किया यहां पर और होती हुई ये गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। दर्शक दीर्घा में चौका आता हुआ इस गेंद पर। सिंगल आता हुआ इस गेंद से। अब आखिरी गेंद इस इनिंग की, 117 पर अब तक का स्कोर जहां पहुंचा है। अब देखते हैं कि इस आखिरी गेंद पर क्या होता है। देवांश का सामना करेंगे दुर्गेश। यहाँ पर ये डॉट बॉल, एक अच्छी गेंद और इस अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति और उसी के साथ इस इनिंग की भी समाप्ति। 117 पर अब तक का स्कोर है, जिसका मतलब 118 का यहाँ पर लक्ष्य दिया है। और अगर पल्स लैब के बैटिंग के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो हर्षल, इन्होंने 6 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए हैं। जयेश, इन्होंने 11 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाए हैं। हेमंत, इन्होंने 12 रन बनाए हैं। राहुल, इनके द्वारा आए 10 रन। ऋषि अपना खाता नहीं खोल पाए। नयन, इनके द्वारा शानदार बल्लेबाजी, 17 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाए हैं। भावेश, इनके द्वारा 11 गेंदों में 29 रन बनाए गए। अंत में दुर्गेश, इनके बल्ले से आए हैं 2 रन। ही थर थर लोह पुरुष तो खंबीर, करी इंग्रज ही थर थर दी भारत माता ग्वाही, भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, दे भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, दे भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई।
ग्वाही सरदार वल्लभ भाई दे भारत माता ग्वाही सरदार वल्लभ भाई दे भारत माता ग्वाही सरदार वल्लभ भाई दे भारत माता ग्वाही सरदार वल्लभ भाई और अगले मैच का यहाँ पर टॉस होना है। पंकज टीवीएस भुसावल वर्सेस प्रवीणदीप वॉरियर्स असोदा, इन दोनों ही टीमों के कैप्टन से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस के मंच के पास आए। पंकज टीवीएस भुसावल वर्सेस प्रवीणदीप वॉरियर्स కనిపించని దేవున్నే కన్నార్పక చూస్తావే కన్నుల ఎదుటే నేనుంటే కాదంటున్నావే చూపే బంగారు सरदार वल्लभभाई पटेल चषक 2022 पर्व तिसऱ्या पर्वाचा आजचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसाचा सातवा सामना होणार आहे पंकज टीवीएस भुसावल वर्सेस प्रवीणदीप वॉरियर्स असोदा। दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी लवकरात लवकर यायचे। पंकज टीवीएस भुसावल वर्सेस प्रवीणदीप वॉरियर्स असोदा। तर पुढचा सामना असेल पंकज टीवीएस भुसावळ विरुद्ध प्रवीणदीप वॉरियर्स असोदा। दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी लवकरात लवकर यायचे। दोन्ही संघांचे कर्णधार आपल्या सोबत उपस्थित आहेत। अजय महाजन कर्णधार प्रवीणदीप वॉरियर्स आणि पंकज टीवीएस भुसावळ संघाचे कर्णधार आहेत पंकज ढाके आणि त्या संघाचे संघ मालक असतील पंकज अशोक चौधरी। तर प्रवीणदीप फाउंडेशनच्या संघाचे कर्णधार आहेत अजय आणि त्यांचे संघ मालक आहेत प्रवीण रामदास कोल्हे सन्माननीय नगरसेवक जळगाव शहर महानगरपालिका। तर आपल्यासोबत उपस्थित असतील या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी डॉक्टर हर्षदा भंगाळे यांना मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी यायचं आणि आपल्या हस्ते या सामन्याची नाणेफेक करायची आहे। संपूर्ण परिवाराने यायचं आहे।
सर्वांनी यायचंय. आणि पियुष दादा आपण सुद्धा यायचंय. पल्स पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरीच्या संचालिका डॉक्टर हर्षदा भंगाळे सहपरिवार आपल्यासोबत उपस्थित आहेत या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी. आपले टॉस का बॉसचे प्रायोजक आहेत श्री महेश मोहन चौधरी. तर आपल्या सन्माननीय संघ प्रायोजक डॉक्टर हर्षदा भंगाळे यांच्या हस्ते नाणेफेक होताना प्रवीणदीप वॉरियर्स संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि थोड्याच वेळात ते आपला निर्णय कळवणार आहेत. मी मान्यवर पाहुण्यांना विनंती करतो की आपण पुन्हा एकदा मुख्य व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. आपण आपला अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल आयोजकांतर्फे आम्ही आपलं आभार मानतो. फुल टॉस ये गेंद थी, ड्राइव करते हुए से खेला, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे मिड ऑफ के दिशा में, उनके द्वारा इस गेंद को रोका गया. दीपांकर इस समय स्ट्राइक पर. भावेश की एक गेंद, इसे दिशा दिखाई है. यश काफी तेजी से वहां पर आए, उस गेंद को रोका, मगर तब तक बल्लेबाज सिंगल अर्जित कर चुके थे. इस ओवर के आखिरी गेंद स्ट्राइक पर है ललित. भावेश की गेंद का सामना करेंगे. ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, अपील यहां पर, मगर अंपायर ने इस अपील को नकारा है. ओवर की यहां पर समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. 54 गेंदों में 111 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए एकनाथ ऑटो राइडर्स की टीम को. हमारे मुख्य प्रायोजक इस टूर्नामेंट के माननीय सौ जयश्री ताई महाजन, प्रायोजक है भंगाळे गोल्ड्स, श्री सागर भंगाळे, उन्हीं के साथ श्री आकाश भंगाळे. राधे अब गेंदबाजी के लिए आए हैं इस ओवर में. हवा में है गेंद, नीचे है खिलाड़ी, वहां पर कीपर और फील्डर के बीच में ये गेंद जा गिरी. हमारे इस टूर्नामेंट के सह प्रायोजक है लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, और लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स के 25 साल यहां पर पूरे हो चुके हैं. आयोजन समिति की ओर से सुनील जी सरोदे, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. धीमी गति की गेंद, इसे दिशा दिखाई है, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाते हैं, वहां पर खिलाड़ी पहुंचे, इस गेंद को रोका है.
तीन गेंदें अब तक ओवर में हो चुकी है, चौथी गेंद करेंगे राधे अपने इस ओवर की। स्ट्राइक पर रहेंगे दीपांकर। और क्या यहां पर संपर्क हुआ है? नहीं, गेंद काफी अच्छी ड्राइव किया था मगर बल्लेबाज को बीट करते हुए सीधे कीपर के हाथों में गेंद। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, ठीक से बल्ले पर चढ़ नहीं पाई। सिंगल जरूर मिलेगा, दूसरे का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। पांच गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रनों पर अब जा पहुंचा। हवा में है गेंद, नीचे है कीपर। ऋषि के हाथ में ये कैच, कॉट बिहाइंड, बल्लेबाज को लौटना होगा पवेलियन। इस ओवर की आखिरी गेंद पर आया है विकेट और ये पहला झटका लगता हुआ एकनाथ ऑटो राइडर्स की टीम को। दो ओवर के बाद अब तक का स्कोर है 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। अनमोल सहकार्य जिनके द्वारा हमें इस टूर्नामेंट में प्राप्त हुआ है, माननीय आमदार महोदय राजू मामा भोड़े, उन्हीं के साथ हमारे अवार्ड के स्पॉन्सर है KL फाउंडेशन, LK फाउंडेशन, श्री ललित विजय राव कोल्ले सर और श्री पीयूष कोल्ले सर। और इस मैच का आनंद लेते हुए इस समय पीयूष कोल्ले सर, तो इनका हम आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनके इस सहयोग के लिए। उन्हीं के साथ आगे रुखमा टेंट हाउस, माननीय श्री किशोर महाजन, उन्हीं के साथ चंद्रकांत महाजन। और अब गेंदबाजी के लिए नजर आते हुए यश दीपांकर इस समय स्ट्राइक पर। हवा में है गेंद, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई मगर भाग्यशाली रहे नो मैन्स लैंड में ये गेंद जा गिरी। सिंगल आता हुआ इस गेंद से, 47 गेंदों में अब यहां से 107 रनों की जरूरत है। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, अंपायर ने इसे वाइट करार किया। इस बार हल्के हाथों से खेला इस गेंद को और सिंगल प्राप्त किया है निखिल ने और इस सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। इस बार अच्छी गेंद, ये पैरों पर जा लगी गेंद, जड़ों में की थी। तीन गेंदें अब तक ओवर में हो चुकी है,
चौथी गेंद करेंगे इस ओवर की, या सामना करेंगे दीपांकर। गुडलेन पर बॉल की थी, बल्ला तेजी से घुमाया था मगर संपर्क नहीं हो पाया। और इस टूर्नामेंट में जिनके द्वारा सहकार्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक लेवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, सोनी एजेंसीज, श्री जीवन एवले। यहां पर उंगली उठा दी है अंपायर ने, लौटना होगा बल्लेबाज को पवेलियन। दीपांकर का यहां पर विकेट आया है। और अगला जो मुकाबला होने जा रहा है, पंकज टीवीएस भुसावल, इस मुकाबले के ठीक बाद वाला है मुकाबला प्रवीणदीप वॉरियर्स आसोदा। इन दोनों ही टीमों के कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आकर अपने प्लेइंग 11 के अपडेट्स दे दे। ये बड़ा शॉट आता हुआ, 6 रनों के लिए खेला गया शॉट अमित इनके बल्ले से। और यहां पर जिनके बल्ले से ये शानदार सिक्स आया है अमित भराटे, इनका आज जन्मदिवस है तो आयोजन समिति की ओर से इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आते ही पहली गेंद पर ये खाता खोला है 6 रनों के साथ इन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, इसे थर्ड मैन की दिशा में खेला है, पहला रन आ चुका है। दूसरे रन का प्रयास अमित के द्वारा तो जरूर हुआ मगर निखिल ने इस रन के लिए नामंजूरी दी। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बर्थडे बॉय अमित। दिशा दिखाई है इस गेंद को, पॉइंट की दिशा में वहां पर प्रयास भी। और चौका आता हुआ इस गेंद से। धीमी गति की गेंद कर दी थी, बल्ला थोड़ा जल्दी घुमा दिया अमित ने यहां पर। 24 रनों पर अब तक का स्कोर है।
फिर एक बार ये धीमी गति की गेंद थी, सिंगल आता हुआ इस गेंद से। चार गेंदे अब तक इस ओवर में हो चुकी है। इस ओवर की पांचवी गेंद करेंगे राधे। शॉर्ट पिच गेंद थी, भावेश उस गेंद को रोकने के लिए काफी तेजी से दौड़े थे। फुल टॉस गेंद थी इस बार, बल्ले पर ठीक से चढ़ नहीं पाई। मिड विकेट की दिशा में गेंद आते हुए वहां पर गेंद को रोका गया। चार ओवर की समाप्ति पर अब तक का स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद डॉट बॉल हो जाएगी। गुडलैंड पर यह बॉल थी, इसे कवर्स की दिशा में खेला है, वहां पर खिलाड़ी के द्वारा इस गेंद को रोका गया। सिंगल आता हुआ इस गेंद से। फिर एक बार अच्छी गेंद, ये सटीक लाइन और लेंथ पर ये गेंद की थी। तीन गेंदें अब तक ओवर में हो चुकी है। 33 गेंदों में यहां से 87 रनों की जरूरत है। एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेला ये शॉट और चार रन आते हुए। इस ओवर की पांचवी गेंद करेंगे दुर्गेश। स्ट्राइक पर अमित। काफी अच्छी ये गेंद आगे की थी।
पंकज टीवीएस भुसावल वर्सेस प्रवीणदीप वॉरियर्स, दोनों ही टीमों के कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और उसी बीच आता हुआ ये शानदार सिक्स अमित के बल्ले से। पंकज टीवीएस भुसावळ कर्णधार, कृपया आपली टीम अपडेट करण्यासाठी कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय। प्रवीणदीप वॉरियर असोदा कर्णधार, कृपया आपला प्लेइंग इलेवन या ठिकाणी अपडेट करायचंय, लवकरात लवकर यायचंय। हा सामना संपताबरोबर आपला सामना सुरू करायचा आहे। करी इंग्रज ही थर थर, लोह पुरुष तो खंबीर, करी इंग्रज ही थर थर, दी भारत माता ग्वाही, दी भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, दी भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, भारत माता ग्वाही, सरदार यश खड़के अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। निखिल थोड़े नाराज नजर आए क्योंकि गेंद ठीक से बल्ले पर चढ़ नहीं पाई, शॉर्ट पीछे गेंद थी, सिंगल मात्र आता हो इस गेंद से। 29 गेंदों में यहां से 76 रनों की जरूरत। इस बार फाइन लेग की दिशा में इस गेंद को खेला अमित के बल्ले से आते हुए 4 रन। फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के द्वारा इस गेंद को रोका गया। सिंगल आता हुआ इस बार, 3 गेंदें अब तक ओवर में हो चुकी है। चौथी गेंद करेंगे यश अपने इस ओवर की, सामना करेंगे निखिल। काफी अच्छी गेंद, अब 2 गेंदें शेष बची है ओवर में। ऑफ स्टंप के बाहर किए गेंद, अंपायर ने इसे वाइट करार किया। अतिरिक्त रन आते ही स्कोर अब बढ़कर हो चला है 48। अच्छी गेंद,
खुडलेन पर यह बॉल की थी। अब इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे यश, सामना करेंगे निखिल। फिर एक अच्छी गेंद यश के द्वारा। इस ओवर की अगर बात करें तो पहली गेंद पर आया था सिंगल, उसके बाद एक चौका आया, फिर एक सिंगल आया, फिर उसके बाद लगातार तीन गेंदें डॉट, बीच में एक वाइट जरूर आई। 48 पर पहुंच चुका है अब तक का स्कोर 6 ओवर के बाद। 24 गेंदों में अब यहां से जरूरत है 70 रनों की। लाइट्समैन जहां कहीं भी हो मैदान के लाइट शुरू की जाए। पटकी हुई गेंद थी, इसे उठाकर खेला है हवा में, गेंद नीचे ही, खिलाड़ी विकेट का पतन होते हुए। दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पर नफरत जाए, हो करके इशारे हो लड़की, हो लड़की, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था इस गेंद को, सिंगल आया है। कौशल का खाता खुला है इस सिंगल के साथ, 49 रनों पर अब तक का स्कोर। निखिल के बल्ले से आया है यह बड़ा शॉट, मैदान के बाहर यह गेंद, डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला इसे। और इस सिक्स के साथ टीम का अर्धशतक भी यहां पर पूरा हो चुका है, 55 रनों पर अब तक का स्कोर। 21 गेंदों में यहां से 63 रनों की जरूरत। वाइट का इशारा था अंपायर की ओर से। फुल टॉस गेंद, वहां पे उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण। राहुल पाटिल ये तैनात थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और ये काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, उछल कर इस गेंद को रोका है।
राहुल पाटिल इनका शानदार सेव, और जब उन्होंने गेंद को अंदर फेंका वो हवा में थे, हवाई क्षेत्र रक्षण राहुल पाटिल इनके द्वारा। और ड्राइव क्या है, मिड ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा इस गेंद को रोका गया। फुलटॉस गेंद, इसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, यश के द्वारा इस गेंद को रोका गया, सिंगल जरूर मिलेगा। अठारह गेंदों में 59 रनों की जरूरत, करीबन 20 रन प्रति ओवर की जरूरत है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आते हुए अंपायर की ओर से, नो बॉल, अंपायर का इशारा। एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला था, 4 रन आते हुए इस गेंद से फ्री हिट दिए जिसका फायदा उठाया है। डायरेक्ट थ्रो लगा यहां पर, मगर बल्लेबाज तब तक क्रीज में पहुंच चुके थे। और अच्छी गेंद इस बार, डॉट बॉल हो जाएगी यहां से। 14 गेंदों में अब 53 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है शॉट, सीधे गेंद जा लगी है लेवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के बैनर पर।
तर या ठिकाणी उपस्थित आहेत आपले सहप्रायोजक सन्माननीय सुनीलजी सरोदे, लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्सचे संचालक. आज लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्सला 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. तर त्यानिमित्त लेवा पाटीदार प्रीमियर लीग परिवारातर्फे आम्ही त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो आणि त्यांना विनंती करतो ते जर मैदानात उपस्थित असतील तर मुख्य व्यासपीठावर आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. सुनील सरोदे सर, संचालक लक्ष्मी इंजिनिअरिंग वर्क्स. 73 धावा 3 गडी बाद. पुल करण्याचा प्रयत्न ठीक पद्धतीने बॅटवर आलेला नाही हा चेंडू. धावसंख्या होते 74. पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवर ठीकसा येत नाहीये आणि आता मात्र पल्स पॅथॉलॉजी लॅबचा संघ विजयाकडे वाटचाल करताना आपल्याला दिसून येईल. लाईट्समन लाईट्समन नऊ चेंडू 44 धावांची आवश्यकता. तर आपण बघू शकतो आता दुधाळ प्रकाशात न्हाऊन निघतंय जळगावातलं सागरपार क्रिकेट मैदान. आणि आपण बघू शकतो आता धीरे धीरे मैदानातील फ्लड लाईट सुरू होताना. दरम्यान ड्राईव्ह केलेला आहे वाईड लॉंग ऑन सीमारेषेजवळ, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव मिळते. पंचाहत्तर धावा 3 गडी बाद. 8 चेंडू 43 धावांची आवश्यकता. आणि आता मात्र जे स्टॅट्स आमच्यापर्यंत येत आहेत ते अशा पद्धती आहेत की आता 7 चेंडूत जर 7 षटकार लगावले तर हा सामना फक्त टाय होऊ शकतो आणि अशा परिस्थितीत होईल सुपर ओव्हर. आता 1 चेंडू जर डॉट गेला तर मात्र या सामन्यात औपचारिकता शिल्लक राहील. आणि हा पहिला षटकार आलेला आहे शेवटच्या चेंडूवर. तर 9 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 81 धावा 3 गडी बाद. 6 चेंडूंमध्ये 37 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडूत जर आपण लीगल डिलिव्हरीजला जर मान्य केलं तर 36 धावा निघू शकतात. तर अशा परिस्थितीत होऊ शकते सुपर ओव्हर, पण त्यासाठी लगवावे लागतील 6 चेंडूत 6 षटकार. बघूया काय होत आहे ते. आणि आता मात्र पल्स पॅथॉलॉजिकल लॅब संघाने या सामन्यावर आपलं वर्चस्व सिद्ध केलेलं आहे.
उत्कृष्ट असा चेंडू बैट ची बाहर ची कड़ घेत चेंडू आणि सरळ जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातात. आणि आता मात्र विजयाचा जल्लोष. 80 अर्थात कुणाल खडके कर्णधार अशा वेळेस आलेले आहेत की ज्या वेळेस ते काहीही करू शकत नाही. 82 धावा 4 गडीबाद मात्र चौकार षटकार नक्कीच लगावतील. ड्राईव्ह केलेला आहे आणि कुणाल मात्र सर्व चेंडू खेळून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पल्स लॅब इलेवन या संघाने हा सामना जवळजवळ जिंकलेला आहे. पस्तीस धावांनी दिमागदार विजय मिळवलेला आहे पल्स पॅथॉलॉजी लॅब संघाने.